हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है, मैं इस समय हूँ हल्द्वानी में रामपुर रोड पर, और यहीं पे एक कैफे कह रहे हैं या रेस्टोरेंट कह रहे हैं या स्टॉल कह रहे हैं, जो कि बनाते हैं बहुत शानदार पिज्जा अपने पहाड़ के हैं, ये स्वाद दे रहे हैं बहुत बढ़िया। लॉकडाउन के समय जब ये खुला था उस समय बड़े से बड़े रेस्टोरेंट बंद होने की कतार पे थे, लेकिन इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अपने स्वाद के दम को बिल्कुल बरकरार रखा और अब तक ये बहुत बढ़िया फूड और पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, और गूगल में भी इनकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त चलती है। तो दोस्तों अगर वीडियो को मैं फर्स्ट टाइम आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई नई वीडियोज आपको देखने को मिले। चलते दिखाते हैं आपको यहाँ पर कितने प्रकार के पिज़्ज़ा और क्या क्या फूड का आइटम मिलता है। दोस्तों लोकेशन की बात करूँगा, रामपुर रोड पर हूँ, सामने सेवन स्टोन होटल है और ट्रांसपोर्ट नगर का चौराहा दिख जाएगा, पेट्रोल पम्प भी सामने ही है, और इससे पहले ही राइट हैंड पे हॉट बस पिज़्ज़ा आपको इस तरीके से ये पूरा ये रेस्टोरेंट यहाँ पे बना हुआ है। और फिर इस तरीके से चलते अंदर, एक बार पहले भी मैं इनका टेस्ट ले चुका हूँ, कुछ इस तरीके से देखिए पूरा सेटिंग अरेंजमेंट उन्होंने बना रखा है, बहुत शानदार बना रखा है, बिल्कुल मतलब बड़े बड़े ब्रांड को इन्होंने टक्कर दे रखी है यहाँ पे हमारे पहाड़ी भाई ने, अपने पहाड़ के हैं ये, और जबरदस्त इन्होंने यहाँ पे डेकोरेटेड कर रखा है, पूरा एक एक फील बना रखा है इटालियन का। जैसे इटालियन में हम लोग पिज़्ज़ास वगैरह देखते हैं वहाँ का, जो पूरा ये अंदर किचन भी है, किचन भी दिखाऊंगा, ये कुछ मेन्यू है इनका जो कि पूरा ये इस तरीके से है, काफी वैरायटी इनके वहाँ पिज़्ज़ा और बर्गर्स में आपको मिल जाएगी। और आज हम यहाँ पे पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे, बताएंगे आपको कैसा स्वाद है यहाँ के पिज़्ज़ा का। तो दोस्तों मैं आपको अंदर किचन एरिया में ले आया हूँ जहाँ पे इनका पूरा प्रोसेस चलता है। ये देखिए टॉपिंग अलग अलग तरीके से बिल्कुल रख रखी है, और ये मेरे ख्याल से मशरूम है ये, और यहाँ पे देखिए डो वगैरह सब बना रखा है, और ये जो आपका पिज़्ज़ा इसमें बनता है पिज़्ज़ा ओवन ही है। तो हमारे सामने भैया हैं अपने दादी, इनसे ही पूछे। तो दादी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं नाम सुरेश सिंह बोल रहा है, एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? यस सर। उत्तराखंड कहाँ गए आप? मैं ओखलगाड़े से देवस्थल से हूँ। तो कितने समय से ये काम कर रहे हैं आप? सर इस कॉन्टिनेंट में मेरे को कम से कम आठ साल हो गया है, आठ साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। अच्छा, आठ साल इस काम करते हुए हो गए। अपने वहाँ पिज़्ज़ा कितने रुपए से स्टार्ट होता है? यहाँ पर 62 से स्टार्ट होता है। कितने रुपए से? 62, 62 रुपए से यहाँ पर। 62 से 62 रुपए से यहाँ पर पिज़्ज़ा आपको खाने को मिल जाएगा। यस सर, 62 रुपए से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हमें बोरा जी बना के खिलाएंगे, तो ठीक है बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये डो मैदे का होता है? मैदे का सर, मैदे का होता है। अच्छा ये एयर के लिए? एयर के लिए, जल्दी हम एयर उठाए अंदर पहुंच जाए। ये हमारा पैन है, हम इसमें रखेंगे। तो दोस्तों जो चीज़ हम एक्स्ट्रा पढ़वाते हैं, जो जिसका हमें पेमेंट देना पड़ता है, वो यहाँ पे आपको नहीं देना, ये एक्स्ट्रा इन्होंने अलग से पहले से डाल रखा है, जो कि इसमें ऐड ऑन होता है। ये आपकी पिज़्ज़ा सॉस। ये आपके मशरूम आ गई, मशरूम और गोल्डन कॉर्न, और ये आपका आ गया अनियन। ये क्या चीज है? और ये आ गया पनीर। सारा का सारा ये मैरिनेट करके रख देते हो आप? और फिर इसमें फिर दोबारा क्या चीज? और अभी जाएगा अंदर।
अब ये भी जाएगा हमारा इसके अंदर, और यहाँ पे हमारी बर्गर की देखिए मेकिंग हो रही है जो कि भाई कर रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? अनिल मेहता। तो ये हमारे मेहता जी और सामने हर्षित भाई हमारे, जिन्होंने पूरी टॉपिंग करी थी। ये तीन के तीन लोग यहाँ पे पूरा ये संभालते हैं हॉट बस पिज्जा को, और यहाँ पे हमारे बर्गर बिल्कुल रेडी है। ये जो पेटी होती है आलू की होती है ना, आलू की पेटी। तो यहाँ पे बर्गर तैयार हो रहा है, और इसमें क्या लगे, ये तंदूरी सॉस आ गई, और ये क्या डाला आपने? थोड़ा बताते रहो क्या क्या डाल रहे हो। एलापिनोस ये आ गई आपकी कैबेज, और यहाँ पे हमारे दो पिज्जा निकल के बाहर आ चुके हैं, और एक अभी अंदर है। तो दोस्तों ये रैपर हमारा पनीर रैपर ना ये तैयार हो गया है, कितनी देर रहेगा लगभग ये? 5 मिनट। तो दोस्तों पिज्जा हमारा बन के आ चुका है। हमने तीन तरीके का पिज्जा, यहाँ का जो फेमस पिज्जा चलता है वो हमने मंगाया, और बर्गर आया है, और मशरूम पनीर रैप भी आ गया है। तो दोस्तों आप लोग लीजिए वीडियो का मजा, मैं लेता हूँ यहाँ पर पिज्जा और बर्गर और पनीर रैप का मजा। ये देखिए हमारा ये पिज्जा हमने तीन तरीके के मंगाए हैं, एक का 299 रेट है, एक का 249 रेट है, 249 तीन पिज्जा, और बर्गर का रेट हमारा है आपका 110 बर्गर का रेट है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए भर भर के पूरी मेकिंग इन्होंने जो डाली है यहाँ पे, मेयोनीज हो गया, चीज हो गया, मतलब इतना जबरदस्त स्वाद यहाँ पे दे रहे हैं। ये देखिए पूरी मेकिंग मैंने आपको दिखाई, जल्दी से एक बाइट बनाते हैं और बताते हैं आपको पिज्जा का कैसा स्वाद है। यहाँ पे बच्चों को वाकई बहुत पसंद आएगा, एक बार आप यहाँ पे जरूर आना, ट्राई करते हैं। चीयर्स द बाइट। बढ़िया स्वाद है इसका पिज्जा का, मतलब बड़े बड़े जो ब्रांड के जो होते हैं दोस्तों उससे बर्गर लगा मुझे। ये आप देख सकते हैं, देखिए चीज देखिए लवालब भरी पड़ी है, और बाकी ये आपका बर्गर है, ये भी देखिए काफी कुछ आइटम है। हल्का थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको भी, पूरा ही मुंह पे बहुत बड़ा है, इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं अपना पनीर मशरूम रैप। मैंने तो यहाँ पे तीन प्रकार के पिज्जा टेस्ट करे, और बर्गर और पनीर रैपर, वाकई बहुत बढ़िया लगा दोस्तों मुझे, और इनका जो प्राइसिंग है बहुत ही औसम है, अपने पहाड़ के हैं खिला रहे हैं यहाँ पे पिज्जा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक बार हॉट बस पिज्जा में जरूर आना, यहाँ का पिज्जा खाने। मिलूंगा नई जगह, नए स्वाद को दिखाऊंगा, नए जायके को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।